सो गाइस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रॉपर गाइड फॉर FFCS। इसके अंदर मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, कौन कौन से इश्यूज यू माइट फेस, उसको भी मैं टैकल कैसे करेंगे वो सब बताऊंगा। एंड आई विल ऑल्सो प्रेजेंट यू अ मॉक वर्जन ऑफ FFCS कि आप कैसे प्लान करोगे, एंड ऐसा प्लान करो कि आप यू डोंट मैस अप एंड आपके क्लैशेज ना हो स्लॉट्स एंड ऑल दैट। एंड आई विल डिस्कस एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली चीज ये आती है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एंड काफी सारे लोग साथ में FFCS करेंगे, काफी सारे फ्रेशर्स इवन सीनियर्स आर ऑल्सो देयर, सो द वेबसाइट विल लैग, आपको इंटरनेट का इशू आएगा। सो फॉर दैट यू कैन इधर गो टू SJT के लैब्स, उधर आप कंप्यूटर में करोगे, सो यू वोंट फेस एनी वाईफाई का इशू, जीरो इशू होगा, बिकॉज उधर 100 Mbps स्पीड होती है जो कि अपना VIT उसका लैब में होती है, तो उसको इधर जीरो इशू होगा। एंड अगर आप उधर नहीं जा पा रहे क्योंकि उधर भीड़ हो जाती है, काफी लोग चले जाते हैं, एंड यू माइट नॉट गेट द सीट्स, सो यू कैन इवन डू फ्रॉम योर रूम। अगर आपके रूम में वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी है सो यू कैन यूज अ वाईफाई एज वेल। यू कैन ऑल्सो यूज अ मोबाइल डाटा, कुछ लोग का फोन का जियो एयरटेल जो भी है, यू कैन जस्ट टेक द हॉटस्पॉट। एंड अगर आपकी 10-12 Mbps भी आ रही है सो दैट्स गुड इनफ, तो आप रूम में बैठ के कर सकते हो। फिर हॉटस्पॉट इज वर्किंग फाइन, यू कैन इधर गो टू SJT का रूम्स, आई गेस PRP में होता है, सो इधर जो कि लैब अलॉट हो गए तुम उधर जा सकते हो, जल्दी आना पड़ेगा ताकि भीड़ हो जाती है। सो इफ यू वांट द सीट सो यू गॉट टू गो अर्ली। एंड कुछ लोग तो बाहर भी ऐसे ग्राउंड पे जाके कर देते हैं, या फिर ऐसे मतलब बिल्डिंग के बाहर, ब्लॉक के बाहर खड़े होके दे जस्ट टेक अ लैपटॉप एंड हॉटस्पॉट से वो लोग करते हैं, कुछ लोग वो भी करते हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है अंटी अनलेस आपके जो पहले चीज काम ना है, अगर मोबाइल डाटा अच्छा रूम में नहीं आ रहा है या फिर आपको सीट्स ना मिले, सो यू कैन डू दैट एज वेल। बट यूजुअली ये तो पहली चीज में आपका काम तो बन जाना चाहिए इंटरनेट का, तो वो इशू नहीं होगा। सेकंड चीज इज यू डोंट हैव टू पैनिक। अगर आप स्टार्ट हो गया FFCS एंड फॉर एग्जांपल यू जस्ट सिलेक्ट डिसिप्लिन कोर, फिर लोड हो रहा है, सो दैट हैपेंस, लोड हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका इंटरनेट खराब है, इंटरनेट माइट बी फाइन बट वेबसाइट लैग होती ही होती है, सो यू डोंट हैव टू पैनिक। इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा होगा वो वक्त पे, क्योंकि 3-4 हज़ार का वेबसाइट, 3-4 हज़ार लोग साथ में वेबसाइट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है द वेबसाइट विल लैग एंड बगी क्रैश थोड़ा बहुत होगा, सो यू डू नॉट हैव टू पैनिक। एंड अगर पैनिक कर जाओगे तो तुम गलती से कुछ और स्पॉट कर दोगे, एंड ऐसे बहुत लोग के साथ हुआ मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड उनका पूरा FFCS बर्बाद हो गया था, एंड के थोड़े सब्जेक्ट्स भी छूट गए थे। सो द मेन की थिंग इज यू डोंट हैव टू पैनिक, अगर लैग मार रही है मारने दो, इट्स वेबसाइट का फॉल्ट एंड वो सबके साथ हो रहा है। एंड इंटरनेट स्पीड वापस बता रहा हूँ, आप अच्छे से पहले प्रिपेयर रखना क्योंकि एटलीस्ट वो चीज़ आपकी अच्छी रहेगी तो बाकी सब आपका स्मूथली चले जाएगा। एंड आगे और चीज़ है कि आप क्लैशेस स्लॉट्स हो गए, आपको प्रिपेयर कैसे करना है टाइम टेबल, तो वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पे। सो यू कैन सी हियर इज माय स्क्रीन, आपको दिख रही होगी, एंड इधर मैंने एक रफ मॉडल बनाया है आपका, रफ ड्राफ्ट जो कि आपका है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं, डिफरेंशियल है, मैंने फिजिक्स लिया है एंड ओप्स लिया है, मैंने अभी 3 सब्जेक्ट्स ही लिए दिखाने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज यू गॉट गो ऑन गूगल, गूगल पे जाके यू हैव टू सर्च दिस, यू हैव टू सर्च VIT FFCS एंड गो ऑन द सेकेंड लिंक, यू कैन सी इट ओवर हियर, FFCS ऑन द गो, एज यू कैन सी आपको इस पे जाना है एंड क्लिक इट। एंड दिस वेबसाइट इज रियली रियली हेल्पफुल एंड इट विल मेक योर प्रोसीजर एंड ऑल दिस टाइम टेबल हैंडलिंग का जो बना रहे हो, इट विल मेक इट रियली रियली स्मूथ एंड बहुत हेल्पफुल है, बिलीव मी। कि आपको अगर आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल A1 स्लॉट लेना है सो जस्ट सिलेक्टेड, एंड D1 लेना है जस्ट सिलेक्टेड, एंड इट्स लाइक दैट। सो मैं ये सब कुछ धीरे धीरे समझाऊंगा कि हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, बट डू यूज दिस वेबसाइट, डू यूज दिस इज द इंटरफेस एंड आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन, ओके। सो सबसे पहले लेट मी शो यू दिस थिंग, यू गॉट अ गो ओवर हियर, आपको येलो वाले चीज पे जाना है एंड क्लिक ओवर इट, ताकि आपका ये ड्रॉप डाउन खुल जाए एंड इट विल बी इजियर टू चूज योर स्लॉट्स। एंड लेट्स गो बैक टू आवर नोट्स। तो मैंने ऐसे एक रफ चीज बनाई है, आपका डिफरेंशियल है एंड डिफरेंशियल आपको 3 स्लॉट्स मिल रहे हैं इन A, C एंड B, ओके। एंड बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू कि अभी मैं मॉर्निंग थ्योरी एंड लैब आफ्टरनून रख रहा हूँ। आप लोग का अगर मॉर्निंग लैब रहेगा तो आपका मॉर्निंग लैब रहेगा तो आपको थ्योरी आफ्टरनून रहेगा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन दिस स्पेसिफिकली मैं अभी कर रहा हूँ फॉर मॉर्निंग थ्योरी, क्योंकि मैंने A1 लिया है। A1 मीन्स आपका सुबह थ्योरी होगा, A2 मीन्स आपका शाम को थ्योरी होगा, एंड इट्स सेम। ये अगर आपको शाम को भी लेना है यू कैन जस्ट यूज दिस वीडियो एज अ रेफरेंस एंड यू कैन मेक अकॉर्डिंगली, इट्स द सेम फॉर इट। बट मैं अभी एक चीज के लिए कर रहा हूँ मॉर्निंग थ्योरी, एंड लैब ऑब्वियसली आफ्टरनून होगा क्योंकि मेरा थ्योरी मॉर्निंग है। सो ये यू कैन सी कि मैंने डिफरेंशियल लिया है एंड मैंने A1 स्लॉट चूज किया है, एंड दीज आर माई फैकल्टीज XYZ, एंड ये तीनों फैकल्टी A1 स्लॉट में पढ़ाते हैं, यू हैव टू मेक श्योर। एंड ये बात में बताना भूल गया कि इफ यू आर चूजिंग फैकल्टीज यू हैव टू चूज लाइक आपको मिनिमम 3 फैकल्टीज तो चूज करनी है फॉर योर सब्जेक्ट एंड दैट पर्टिकुलर स्लॉट्स। अगर क्योंकि यूजुअली 2 से भी काम बन जाता है, बट इन केस आपका मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर एजम नेट का कोई खतरनाक सा इशू हो जाए, सो द 3rd फैकल्टी विल बी योर बैकअप। सो मेक श्योर कि आपका हर एक सब्जेक्ट में 3 फैकल्टीज है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल मैंने इधर 3 फैकल्टीज ली है,
मैंने फिजिक्स में 3 फैकल्टीज लिए हैं एंड उप्स में भी 3 फैकल्टीज लिए हैं। एंड रही बात फैकल्टी फैकल्टी कौन सी अच्छी बुरी है, वो तो आप लोग को आई गेस आपने डेटा निकाल दिया होगा सीनियर से, एंड नहीं निकाला तो यू कैन जस्ट डीएम मी, आई विल रिप्लाई यू। ओके तो आस्क योर सीनियर्स, आपके भी आई गेस हो गए जो फ्रेंड्स जो कि हो, तो उनसे पूछ लेना टू गेट द बेस्ट फैकल्टीज, एंड 3 फैकल्टीज होनी ही चाहिए। एंड वो यह डिफरेंशियल मैंने A1 चूज कर रहा हूँ, हालांकि आपके तीन स्लॉट आपको अवेलेबल है ए सी एंड बी, बट मुझे A1 में चाहिए सो मैं ए में ले रहा हूँ। यू कैन अगर आपको डिफरेंशियल सी में लेना है सो यू कैन टेक इन सी और एल्स इन बी। ओके एंड द फैकल्टीज विच आई हैव चूजन वो तीनों A1 में पढ़ाते हैं एंड दैट इज अ मस्ट थिंग। ऐसा नहीं कि तुम XY A1 में है एंड Z अपना B में पढ़ाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम FFCS कर रहे हो एंड तुम्हारा XY का स्लॉट्स जो सीट है वो फुल हो गया, देन यू विल गो फॉर Z। बट तुम Z में अगर आपने Z का B1 स्लॉट लिया है एंड B1 स्लॉट माइक क्लैश विद योर अदर सब्जेक्ट्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीनों जो फैकल्टीज है वो तीनों एक ही स्लॉट में पढ़ाने चाहिए। सो नाउ आई विल जस्ट गो ओवर दिस वेबसाइट एंड जैसे कि पीछे देखा ये डिफरेंशियल मेरा A1 था, TA1 था एंड TA1 था। सो यू कैन सी कि मेरा ये अपना टाइम टेबल में आप देख सकते हो कि ये ग्रीन ग्रीन मार्क हो गया है फॉर अपना डिफरेंशियल, सो वी आर गुड टू गो। नाउ सेकंड कम फिजिक्स। सो फिजिक्स में मैंने D1 लिया है, D1 स्लॉट लिया है, एंड फिजिक्स के आपको दो दो आपको ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा। पहला तो थ्योरी फिजिक्स एंड सेकंड विल बी योर फिजिक्स लैब। तो फिजिक्स थ्योरी के लिए आई हैव चोजन D1 एंड लैब आपको दो लैब दिखेगी क्योंकि वो फिजिक्स का प्रोफेसर विल बी टीचिंग D1 एंड D2, सुबह थ्योरी और शाम को भी थ्योरी, एंड लैब में भी सिमिलरली ये दिस लैब इज फॉर मॉर्निंग ओवर हियर L1 एंड L2। ठीक है यू कैन सी इट ओवर हियर, L1 एंड L2 इज मॉर्निंग, बट यू डोंट हैव टू टेक अ मॉर्निंग वाला लैब इफ यू आर टेकिंग थ्योरी इज मॉर्निंग। सो तुम्हें ये चीज़ को इग्नोर करना है L1 L2 जो वो टीचर वो फैकल्टी आई हैव चूजन 1 2 3 जो 3 फैकल्टीज है, तो ये दो टाइम पे पढ़ाते हैं L1 L2 एंड L39 L14 एंड दिस आर रफ रफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रिसाइज है बट आपको ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। सो आपको अगर मॉर्निंग थ्योरी ले रहे हो सो यू हैव टू गो फॉर दिस L39 L40, एंड अगर आप आफ्टरनून थ्योरी ले रहे हो सो यू हैव टू गो फॉर L1 एंड L2। अगर आपने गलती से L1 एंड L2 कर दिया सो अगर FSCS में जाओगे एंड इफ यू विल चूज दैट फैकल्टी एंड L1 एंड L2, सो आप देख सकते हो कि आपका L1 एंड L2 इज क्लैशिंग विथ योर डिफरेंशियल ओवर हियर, तो आपको इधर नोटिफिकेशन आएगा उधर कि आपका ये सब्जेक्ट क्लैश हो रहा है एंड वो सिचुएशन पे यू माइट गेट पैनिक एंड तुम फिर सोचने वाओगे क्या करो। तो आपको ध्यान से रखना है कि यू हैव टू गो फॉर L39 एंड L40। आपको जो FFCS मॉक FFCS का आपको वो भी आ गया है फैकल्टी का लिस्ट, तो उधर आपने देखा होगा कि स्लॉट्स का अलग अलग रहता है टीचर्स का नेम, तो वैसे ही सेम टू सेम रहेगा। सो जस्ट मेक श्योर एंड इधर भी यू हैव टू डू द सेम थिंग, तीनों फैकल्टी लेनी है एंड तीनों D1 में होने चाहिए एंड तीनों के जो लैब के स्लॉट्स होते हैं वो भी सेम होने चाहिए क्योंकि कभी मोस्टली क्या होता है कि एक टीचर्स आपको मिल जाएगी D1 में पढ़ाने वाले बट उनके लैब में जो स्लॉट्स होते हैं वो अलग होते हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपके 1 2 का लैब का स्लॉट L39 एंड L40 होगा, बट वॉट इफ जो फैकल्टी 3 है उसका है L41 एंड L42, सो दैट शुड नॉट हैपन क्योंकि क्या पता है L41 L42 में आपका फॉर एग्जाम्पल उप्स में उप्स का आपका लैब है L41 L42 में, तो आपका पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि सारे टीचर्स का सारे स्लॉट सेम हो, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया सो दिक्कत हो जाएगी। सो लेट मी नाउ गो बैक टू द वेबसाइट एंड इधर से D1 स्लॉट में थ्योरी कर दूंगा अपना फिजिक्स एंड अपना जो ये था अपना लैब फिजिक्स का लैब इज L39 L40, तो मैं यू कैन सी इट ओवर या L39 L40, तो आप डायरेक्टली इधर से कर सकते हो L39 एंड L40, या दैट्स इट। एंड अभी लास्ट सब्जेक्ट है मेरा उप्स, तो मैंने सारे सब्जेक्ट लेने हैं आपको रफ आइडिया देने के लिए मैं बना रहा हूँ। सो उप्स में आप देखो कि मैंने आपके पास ECD स्लॉट्स है, ओके बट आई हैव चोजन ई स्लॉट, मेरे अपने अपने हिसाब से मैंने ई ले लिया है एंड आई कैन नॉट टेक D स्लॉट क्योंकि D में मेरा फिजिक्स है। इफ यू कैन सी इट ओवर हियर D में मेरा फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप FFCS कर रहे हो एंड आप ई वाले स्लॉट में गए एंड आपने XYZ फैकल्टीज को चूज करने गए एंड ऐसा हो गया कि तुम्हें XYZ फैकल्टी एक भी मिली नहीं, आपका ई स्लॉट फुल दिखा रहा है, देन गो फॉर सी स्लॉट एंड सी स्लॉट में मैंने एक एफ करके फैकल्टी चूज कर रखी है एज अ बैकअप क्योंकि आई कैनॉट गो फॉर डी क्योंकि डी में मेरा ऑलरेडी अपना फिजिक्स है। यू कैन सी इट ओवर हियर फिजिक्स में मेरा डी है, तो मैं इधर डी में जा नहीं सकता उसमें क्योंकि वो दिखाएगा कि योर स्लॉट इज क्लैशिंग एंड यू माइट पैनिक अगेन।
तो मैंने ई लिया है. अगर मेरा ई से काम नहीं बनता देन आई विल गो टू सी. मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में बन जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तीन फैकल्टीज हैं. एक्स नहीं चला तो वाई चलेगा, वाई नहीं चला तो जेड चलेगा. बट अगर आपका लक एकदम ही वाहियात है सो आप बैकअप के लिए सी स्लॉट में एक फैकल्टी ले लो, जैसे कि मैंने ये फैकल्टी एफ करके ले ली है. होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग. सो मैंने ई वन में ऊप्स ले लिया है. सो आई विल जस्ट गो टू दिस वेबसाइट अगेन एंड मैं ई वन सिलेक्ट करूंगा एंड यू कैन सी मेरा अभी ऊप्स इधर आ गया है. एंड यू कैन सी मेरा अभी एक भी बार कुछ क्लैश वैश कुछ हुआ नहीं है, कोई दिक्कत अभी तक आई नहीं है. एंड वापस से उसमें लैब आपको मॉर्निंग लैब है एंड आफ्टरनून लैब है. बट आई हैव चोजन ई वन एज थ्योरी. ई वन मीन्स मॉर्निंग थ्योरी. सो आपको आफ्टरनून लैब ही लेना पड़ेगा. तो ये बंदे जो फैकल्टी है वो आफ्टरनून मॉर्निंग दोनों लैब पढ़ाते हैं. सो दिस वन दिस थिंग इज मॉर्निंग लैब L10 एंड L11. लेट मी शो यू. L10 एंड L11 इज ओवर हियर. L10 एंड L11. इफ यू विल गो एंड चूज L10 एंड L11 यू कैन सी इट्स क्लैशिंग विद आवर डिफरेंशियल अगेन. सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज ना हो. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. सो यू हैव टू गो विद द आफ्टरनून वाला लैब L37 L38 L37 किधर गया. Yeah, L37 and L38 and I have chosen it and you can see none of my labs, none of my theory classes are clashing and similarly you have to do your FFCS like this. I hope it was helpful and yeah, you have to make a diagram. आप अपने ऐसे आपको chart बनाना ही पड़ेगा वरना तो you might mess up. And try to take classes with your friends. ऐसे नहीं अकेले अकेले कर लो. Friends को लो, दो तीन friends को लो, they might help you. Quizzes में help हो जाएगी and assignments में मैं बता रहा हूँ. एंड प्रॉक्सी वॉक्सी में भी हेल्प हो जाएगी. ऐसे तो मैं बता रहा हूँ ऐसे गाइडेंस बड़ा. सो या दैट वॉज योर टुडेज वीडियो. इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट आई गेस होना तो नीचे मैंने आई गेस अच्छे से समझाया. सो गो बैक टू द वीडियो अगेन, अच्छे से समझ लो. एंड या इफ यू हैव फैकल्टीज के लिए कोई रिलेटेड डाउट है तो यू कैन डीएम मी इंस्टा. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो. टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा.